एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी जन्माष्टमी। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे परिवार की ओर से और हमारे चैनल की ओर से तनु की छोटी सी दुनिया। और यहाँ पे हेलन आया, उसका यूनिकॉर्न जो है रेनबो क्लिप जो है बहुत प्यारा है, कियान ने दिया है ना, परी ने दिया था, अभी कियान बोल रहा है उसने दिया है। तो चार दिन से जो ब्लॉग में नहीं आई, बुरा भी लगा था ब्लॉग में नहीं कर रही हूँ बोल के, क्योंकि स्कूल भी था इसलिए मैं ब्लॉग नहीं कर पाया, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। और अभी जो है जन्माष्टमी की तैयारी करना है, तो लनाया राधा बनेगी आज और कृष्ण जो है कुणाल बनेगा। तो वो लोग बोल रहे कि मम्मा अच्छे से करेंगे, तो मैंने कहा ठीक है बाहर करते, जैसे सरस्वती पूजा किया था हम लोगों ने बाहर, आप लोगों ने अगर ब्लॉग देखा हुआ तो आप लोग को पता होगा। तो वहीं हम लोग ने सोचा जहाँ सिटिंग रूम है वहीं पर करेंगे बाहर, और क्योंकि हम लोग का जो ठाकुर रूम है बहुत छोटा सा है, क्योंकि सभी वहाँ पर एक साथ पूजा नहीं कर सकते, वरांडा में करेंगे तो फिर खुला है और अच्छा भी लगेगा। तो हम लोग सब सुंदर डेकोरेट करेंगे थोड़ा सा, तो उसके लिए थोड़ा सामान भी चाहिए और प्रसाद भी लाना है अभी यहाँ। और कृष्ण का पंख जो है, मोर पंख जो होता है, वो मैं मंगवाई थी कल, सिखा दी ने पठवाया मेरे लिए, मतलब मैंने बोला था उनको देने के लिए, तो उन्होंने दिया है, बहुत अच्छा है। और आज जो है कृष्ण बनेगा कियान, तो उसके लिए मोर पंख जो है मैंने मंगवाया था, तो यहाँ पर दी ने पूरा ही दे दिया, बहुत प्यारा है। तो इसमें से सिर्फ एक एक चाहिए, हाँ तो देखो हम लोग का कृष्ण जो बनेगा यहाँ पे है, तो खुश है। मैंने यहाँ पे बैग ले लिया है और अभी मास्क लूँगी, फ़ोन लूँगी और छत्ता लेना है। मास्क अगर नहीं लूँगी तो मेरा खांसी से हाल खराब हो जाता है, पता नहीं क्यों धूला से इतना अभी एलर्जी हो चुका है, और धूप जो है बाहर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लोग सजाएँगे कृष्ण का, तो यहाँ पे सब खाली कर दिया है मैंने पहले ही बरंडा में, यहाँ पे ही सजाएँगे। और बाहर का धूप देख रहे हो कितना तेज़ धूप दिया है आज, बहुत ज़्यादा ही धूप है आज। तो कियान जो है बोल रहा था यहाँ पे डेकोरेट करने के लिए, तो यहाँ पे और इन लोगों ने देखो बदमाशी करके कलर करके पूरा जो पानी का बकेट है पूरा गंदा करके रखा है, फिर आके साफ़ करना पड़ेगा। तो ये जगह का मैंने सोचा कवर करके टुनी लगाकर और थोड़ा पत्ता लगाएंगे, यहाँ पे अच्छा लगता है, जो सीनरी के लिए अच्छा होता है, यहाँ पे करेंगे। और अभी बहुत सारा काम है तो फटाफट से मैं मार्केट जाऊँगी अभी, और जो जो सामान चाहिए जरूरी सामान लेके आती हूँ। और कियान को देखो यहाँ पे पंख लगा के, ऐसे नहीं लगाते हैं कथा, सिर्फ एक मोर पंख चाहिए, एक एक यहाँ पे पांच है ना, ये चाहिए, हाँ सिर्फ ये वाला चाहिए। तो शाम को जो इन लोग तैयारी करेंगे, तभी मैं जाती हूँ बाजार, क्योंकि काफ़ी धूप निकल रहा है, और भी अगर 11:30 बज गया तो हो गया, बहुत ज़्यादा धूप होगा, तभी मैं जा रही हूँ बाजार। तो अभी मैं जा रही हूँ फ्लिप स्टोर और मेरे साथ ही भैया, हाय बोले भाई। तो आज मैं जा रही हूँ ट्रक में, मैं हमेशा बहुत टाइम में जाती हूँ बल्ले भाई के साथ और सभी के साथ ही जाती हूँ ट्रक, क्योंकि घर से निकल रहा था, काम था भैया का, तो मैंने बोला छोड़ दो, क्योंकि इतना धूप में फिर जाओ रिश्का पकड़ो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं आज बैठी हूँ भाई के सामने ट्रक में, तो यहाँ देखो कितना ज़्यादा धूप है, स्कूटी और ऑटो का वेट करते करते बहुत टाइम लगता था, तो घर से जब गाड़ी जा रहा था तो मैं ही छोड़ के आराम है, पर छत भी है ना, धूप भी नहीं लगेगा ना भाई, धूप भी नहीं लगेगा। नदी का पानी भी देखो कितना कम गया ना, बहुत कम, बहुत ज़्यादा धूप है, तो अच्छा हुआ मेरा पैसा भी बच गया ना, 50 रुपया ले लेता है ऑटो, तो बच गया आज 50 रुपया। फिर अगर टाइम में अगर हम लोग आ गए तो भाई भी मिल जाएंगे, भाई का भी काम हो जाएगा, तो फिर 50 रुपया मतलब 100 रुपया तो आज बच जाएगा मेरा, तो अच्छा है, ये पैसा बचाना चाहिए ना भाई। और यहाँ आप देखो कितना ज़्यादा धूप है, बहुत डेंजर है ना आज का धूप, तो आज तो जन्माष्टमी है भाई, अभी मैं जाऊंगी बाजार। अभी मैं आ चुकी हूँ उस सब में फ्लटर में, और यहाँ पे हैं दादा, हैप्पी जन्माष्टमी दादा, हैप्पी जन्माष्टमी। किन लगे कोई भाव लगे फास्टिंग एक्स को हैं, फास्टिंग आइडिया आइडिया फ्लटर जन्माष्टमी फास्टिंग कर रहे हैं माने उपवास, ओ या हम करते हैं एक बार फास्टिंग। तो यहाँ पे बहुत छोटा छोटा कृष्ण मूर्ति भी है ना, बहुत प्यारा एक है ना यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आई थी और भैया ने बहुत अच्छे से दुकान भी सेट किया है, और मैं यहाँ पे आके अपना सामान जो था ले ली हूँ, सब सारा सामान जो जो छोटा छोटा सामान मिला है, तो मैं घर पे जाके आप लोग को दिखाऊंगी। कृष्ण का ड्रेस भी लिया है इस बार, बहुत प्यारा सा था। और यहाँ पे भैया ने रखा है उनका मटू जो होता है बोलते हैं सिर पर लगाने का, बहुत प्यारा प्यारा है छोटा छोटा, एक और मैंने भालो कलेक्शन करसो ना ভালো করছো কালেকশন আইছে আইবো আর মানে এগুলো এবার কি তো জীবন মালের খুব ইয়েটা কম ফ্লাডের লাগে জাল লাগে আমি বাইরে থেকে এবার ওনা ইয়ে করতে পারি না আইবো এর মধ্যে ভালো মাল অর্ডার দেওয়া আছে
मालर मुदाई हो गया। हाँ, यहाँ पर छोटा छोटा ड्रेस भी था कृष्ण का, मैंने ले लिया है ऑलरेडी, और माला वाला बहुत सुंदर सुंदर है यहाँ पे, तो मैंने बहुत सारा सामान ले लिया है ना भैया। मैं मतलब मार्केट आया से, दुकान में आया से क्या होता है, एक के बाद एक इतना प्यारा प्यारा सामान है यहाँ पे। यहाँ पे भी टॉयस इतना अच्छा अच्छा है कि देख के सिर्फ लेने का मन करता है, बट एक चीज़ अभी नहीं मिला है, उसके लिए जाना पड़ेगा। और थोड़ा सा दही मिठाई जो है वो ले लूँगी यहाँ पे, और फिर जाऊँगी घर। तो सामान जो है ग्रोसरी का सामान जो है मैंने वहाँ पे लिस्ट लिखा लिया है, वहाँ पे जो है अंकल सब तैयारी करके रखेंगे, फिर जगह मैं पेमेंट करूँगी और फिर बैग लेके चली जाऊँगी। तो मैं सामान फटाफट से खरीद लेती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। सो है एवरीवन, मेरा सामान लेना हो चुका है और अभी मैं जा रही हूँ घर, और बहुत ज़्यादा ही धूप है बाहर, इतना जोर से प्यास लगा है कि पानी पीने का मन कर रहा है। तो मैंने दुकान से पानी खरीद के नहीं पिया क्योंकि वो सब ठंडा था, और क्योंकि ठंडा ज़्यादा पीऊँगी तो खांसी हो जाएगा। और अभी जा रही हूँ घर, और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे मोरपंख मिल गया, ये देखो, और यहाँ पर सामान भी है। तो जाके अभी खाना पकाऊँगी, खाना पका के जो है सजाएंगे अच्छे से, उनका जो आसन होगा कृष्ण जी का वहाँ पर सजाएंगे अच्छे से, डेकोरेट करेंगे। उसके बाद जो भैया आएंगे तो वो टूनी फिटिंग करेंगे, और अभी मैं जाऊँगी घर, और बच्चे जो वेट कर रहे हैं, और बच्चों के लिए मैंने लिया है मटका कुल्फी जो होता है ये लिया है, और अभी जा रही हूँ घर, घर जाके मिलती हूँ आप सभी। अभी अभी घर आई हूँ, और गाड़ी जो है आ चुका था, पापा ने बहुत गुस्सा किया कि गाड़ी इतना टाइम खड़ा था और तुम मैं लाइन गाड़ी में आई हो। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता था गाड़ी खड़ा है बोल के, और बाबू ने बोला कि मैंने फ़ोन किया है तुमको, तुमने रिसीव नहीं की। एक्चुअली बैग दोनों हाथ में, दो बैग था, और फ़ोन अगर हाथ में रखूँ तो बैग पकड़ नहीं पाऊँगी, इसलिए फ़ोन बैग में था। तो इतना भीड़ भाड़ में सुनाई भी नहीं दिया क्योंकि मैं वॉल्यूम बहुत कम रखती हूँ फ़ोन का जो है। और यहाँ पे सारा सामान जो लेकर आई हूँ, तो यहाँ पे सब निकाला है आधा, और भी जो है जगह जगह सेट कर लिया। तो यहाँ पे जितना भी पूजा का सामान है, और बच्चे जो है अभी मटका कुल्फी खाए, कैसा लगा लाना यहाँ? और किया ने तो पूरा आज माखन जैसा खाया है छोटा कृष्ण, और गुस्सा आ गया है उससे, उससे ज़्यादा गुस्सा हो गया है क्योंकि मैं ननाया के लिए सिंगार लाई थी चुड़ियाँ, पर बचपन में जो हम लोग लाते हैं कलरफुल होता है, तो मैंने दोनों के लिए ही लाया है। तो उसे लग रहा है सिर्फ ननाया के लिए लाई, क्योंकि वो भी कृष्ण बनेगा, वो लड़का बनेगी, तो दोनों के लिए चाहिए। और अभी जो है यहाँ पर मोरपंख रख दिया था, मोरपंख मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मोर पकड़ा था। यहाँ पर अभी सेट करना पड़ेगा, सजाना पड़ेगा अच्छे से। और आज सबसे बड़ी बात क्या है, आज मेरा ब्लॉगिंग का 1 ईयर कम्प्लीट हो चुका है। 2021 में मैंने स्टार्ट किया था, 19 अगस्त था, और आज भी 19 अगस्त है, और 2022 मतलब 1 ईयर कम्प्लीट हो चुका है। तो अच्छा लग रहा है कि 1 साल हो गया ब्लॉगिंग करने का स्टार्ट किया हुआ, और हम लोग का घर का एहसान भी दिया आया था उसी दिन 19 अगस्त को, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ 1 साल होने की खुशी में प्लीज़ आप लोग जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्लीज़ आप लोग का सपोर्ट का ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट चाहिए आप सभी का। तो जितना हो सके प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और मैं जितना हो सके मैं अपना बेहतर से बेहतर कोशिश करूँगी, और साथ चाहिए तो सब कुछ होता है, सबका साथ हो तो सब कुछ अच्छा होता है। और अभी जाऊंगी खाना पकाऊंगी फटाफट से, और खाना पका के जो यहाँ पे तैयारी करूंगी तो आप लोग को भी दिखाऊंगी। तो अभी मैं रख देती हूँ थोड़ा देर के लिए ब्लॉगिंग, यहाँ पे स्टॉप करती हूँ, फिर नेक्स्ट जो है दिखाऊंगी आपको। तो आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय। तो यहाँ पे जो मैं छोटा छोटा सामान लाई थी कृष्ण जी के और सजाने के लिए, तो मैं सबसे पहले शुरू करती हूँ कृष्ण जी का जो ड्रेस है येलो कलर का है पूरा, तो यहाँ पे उनका ड्रेस है। तो हर बार इतने अच्छे से नहीं करती थी क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे, इस बार बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, तो बच्चों को भी बोल रहे हैं कि ऐसे करना है मम्मा, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि साथ में अगर 2-4 लोग होते हैं अगर करना चाहते हैं तो खुशी होता है करने के लिए। तो बच्चों का शौक था बहुत ऐसे करने का, तो मैंने ये लिया, एक ड्रेस लिया है, और इसके साथ मैंने लिया था उनका मटुक जो है छोटा सा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है देखो, तो छोटा सा मटुक लिया है, पर इसका फीता बांधना पड़ेगा पीछे से। और फिर यहाँ पे और भी है छोटा सा माला जो है एक लिया था, ये भी छोटा है, बहुत छोटा सा है, और यहाँ पे वाले को, तो ये दो माला लिया मैंने, और एक छोटा कृष्ण जी के लिए एक मटुक है जो सर पे पगड़ी पहनते हैं ना वो है, और यहाँ पे ये है जो मतलब मूर्ति के पीछे देते हैं जो गोल करके होता है, तो ये एक लिया है। और यहाँ पे सजाने का मतलब ये ऐसे ही लिया था कि वहाँ पे जहाँ पे हम लोग आसन बनाएंगे वहाँ का एक कलर का कपड़ा होगा तो अच्छा लगता है। और एक कियान के लिए लिया जो कृष्ण बनेगा तो उसके कमर में बांधना पड़ेगा, कमर में तो अच्छा लगता है धोती के साथ, और हाथ में बांधे कियान। और ये तो है नेट, वैसे ही सजाने के लिए है। और ननाए के लिए मैंने छोटा सा चूड़ी बेंगल से जो है बताया चूड़ी, तो यहाँ पे लिया है पिंक एंड गोल्डन में है, तो साड़ी पहनेगी। और यहाँ पे जो है थोड़ा सा बलून लिया, एक मल्टी कलर लिया है और यहाँ जो है एक पिंक कलर का लिया, पहले का भी बहुत सारा बलून हो जाएगा मेकअप करके। तो ये सब सामान था जो आपने लिया है। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में खाना पकाने के लिए,